हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और आज की कहानी है एक ऐसे बेजुबान जानवर की जिसका प्यार और वफादारी का मिसाल पूरी दुनिया में दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मोस्ट फेमस डॉग हाचिको की, जो अपने मालिक का इंतजार मरते दम तक करता रहा। पेड़ों से पत्ते गिर गए, न जाने कितने मौसम आए और चले गए, पर हाचिको उसी जगह बैठा रहा जहां आखिरी बार उसने अपने मालिक को देखा था। इस इंतजार में कि कभी तो उसकी आंखें जिसे तलाश कर रही है वो आएगा और उसे अपने साथ लेके जाएगा। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हाचिको का जन्म 10 नवंबर 1923 को हुआ था, जापान का एक छोटा सा शहर अकीटा, जहाँ पर एक छोटा सा डॉग का फार्म हाउस था। हाचिको के साथ बहुत सारे डॉग्स इसी फार्म हाउस में रहा करते थे। जन्म के 2 महीने बाद ही इम्पीरियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर इजा ब्यूरो यूनो ने हाचिको को गोद ले लिया और अपने साथ उसे घर भी ले आया। धीरे धीरे फैमिली के सारे मेंबर्स हाचिको के साथ घुलने मिलने लगे। कुछ ही दिनों में लग रहा था मानो हाचिको इस फैमिली का पुराना सदस्य ही था जो दोबारा कहीं से लौट आया हो। हाचिको के आने से लगने लगा था मानो प्रोफेसर का बचपन भी लौट आया हो। जब प्रोफेसर हाचिको के साथ खेलता तो उनका बचपना भी जग जाता और वो बच्चों की तरह खेलने लगता। इसी तरह हंसी खुशी इस परिवार का दिन बीत जाता। दिन बीतने के साथ साथ हाचिको और प्रोफेसर की दोस्ती भी एक नया रूप ले चुका था। जब प्रोफेसर सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्टेशन जाते तो हाचिको भी उनके साथ ही चला जाता, और जब तक प्रोफेसर ट्रेन पर नहीं चढ़ जाते वो वहीं स्टेशन के बाहर बैठा रहता। प्रोफेसर के जाने के बाद हाचिको वापस घर लौट आता, और प्रोफेसर का जब आने का समय हो जाता तो हाचिको वापस रेलवे स्टेशन पहुंच जाता अपने मालिक को रिसीव करने के लिए। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब हाचिको भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। दिन बीतने के साथ साथ स्टेशन के अगल बगल रहने वाले लोग भी हाचिको को अच्छी तरह से पहचानने लगे। जब हाचिको स्टेशन से वापस लौटता तो अगल बगल के लोग उसे कुछ खाने के लिए भी दे देते। एक दिन जब प्रोफेसर ट्रेन से उतरा तो उन्होंने देखा कि रोज की तरह जिस जगह हाचिको प्रोफेसर का इंतजार किया करता था वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रोफेसर चारों ओर पूछने लगा कि क्या हाचिको यहाँ पर आया था। सभी का जवाब ना सुनकर प्रोफेसर परेशान हो गया। इसके बाद वो हाचिको को चारों तरफ ढूंढने लगा। जब हाचिको कहीं नहीं मिला तो वो थके हारे घर वापस लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि हाचिको अपने कमरे में ही था, लेकिन एक दूसरा जानवर उसके कमरे में ही मौजूद था जो उसे जाने से रोक रहा था। इस एक दिन के बाद हाचिको फिर से उसी रूटीन को फॉलो करने लगा। रोज की तरह सुबह को प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ना और प्रोफेसर को छोड़कर वापस घर लौटाना। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। प्रोफेसर के साथ स्टेशन जाना, वहां से वापस आना, उसके साथ खेलना, अब यही हाचिको की जिंदगी बन चुका था। रोज की तरह एक सुबह जब प्रोफेसर रेडी होकर हाचिको के कमरे में पहुंचे तो उस दिन हाचिको का बिहेवियर कुछ अलग ही लग रहा था। वो कमरे से निकलना ही नहीं चाह रहा था। इवन प्रोफेसर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, मानो वो प्रोफेसर को रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन प्रोफेसर को लेट हो रहा था इसलिए वो जाने लगे। प्रोफेसर को जाते देख हाचिको भी उसके पीछे पीछे चला गया। प्रोफेसर तो ट्रेन में बैठ के चले गए और हाचिको रोज की तरह घर वापस लौट आया। अब हाचिको शाम होने का इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बाद शाम हो गई। इसके बाद हाचिको रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा अपने मालिक को रिसीव करने के लिए। कुछ देर बाद ट्रेन भी आ गई। हाचिको वहीं बैठकर देखता रहा कि कब मेरा मालिक उतरेगा। एक एक करके सारे पैसेंजर्स उतरते गए। स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गेट के बाहर खड़ा हाचिको सभी पैसेंजर्स को देखता रहा, पर उसकी आंखें जिस चेहरे को तलाश कर रही थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल रोज सुबह प्रोफेसर लेक्चर देने के लिए अपना यूनिवर्सिटी जाया करते थे, लेकिन उस दिन क्लास में लेक्चर देते देते प्रोफेसर को हार्ट अटैक आ गया था और उसी क्लासरूम में उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से अनजान हाचिको उसी गेट के पास बैठे अपने मालिक का इंतजार करता रहा कि कोई दूसरी ट्रेन भी रुके और उस ट्रेन से मेरा मालिक आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम से रात हो गई, सूरज भी ढलता जा रहा था। अब स्टेशन के बाहर सभी दुकानें भी बंद होने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ सन्नाटा छा गया, पर हाचिको अब भी प्रोफेसर का इंतजार करता रहा।
रात काफी गुजर चुकी थी। प्रोफेसर के रिलेटिव्स को पता चल चुका था कि हाची को अब भी रेलवे स्टेशन पर ही अपने मालिक का इंतजार कर रहा होगा। करीब आधी रात को उसके रिलेटिव्स हाचिको को लेने आ गए। हाचिको पूरी रात सो नहीं पाया। वो अपने कमरे के टूटे हुए दरवाजे से पूरी रात प्रोफेसर के कमरे की ओर देखता रहा, इस उम्मीद से कि काश प्रोफेसर का एक झलक उसे दिख जाए या कहीं से प्रोफेसर की आवाज ही उनके कानों तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अगले ही सुबह जब हाचिको के कमरे का दरवाजा खुला तो रोज की तरह दरवाजे के बाहर प्रोफेसर नहीं बल्कि उसकी बेटी खड़ी थी। अपने मालिक को ना देख हाचिको और भी उदास हो गया और कमरे के बाहर निकलकर प्रोफेसर की तलाश करने लगा। पर उसे कहां पता था कि जिसे वो देखना चाहता है, जिसकी आवाज सुनना चाहता है, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। हाचिको को लग रहा था कि हो सकता है प्रोफेसर आज घर ही नहीं आए हैं, इसलिए रोज की तरह शाम को वो दोबारा रेलवे स्टेशन पहुंच गया और स्टेशन के दरवाजे के सामने बैठकर सारे पैसेंजर्स को आते जाते देखता रहा। कई लोग आए और चले गए लेकिन कहीं भी प्रोफेसर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हाचिको देर रात तक स्टेशन में बैठा रहा, प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। रोज की तरह शाम को वो स्टेशन पहुंच जाता पर कहीं भी वो अपने मालिक को देख नहीं पाता और फिर शाम को निराश होकर वापस चला आता। कई बार तो वो रात भर स्टेशन में ही गुजार देता। हाचिको की ये हालत देखकर कई बार उसके साथियों ने भी ये कहा कि अब तुम्हें यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर अब दोबारा लौट के नहीं आने वाला। लेकिन इस बेजुबान जानवर को उसकी बात कहाँ समझ में आने वाली थी। अगर समझ में आ भी गया हो तो वो उसे सच मानने वाला नहीं था। हाचिको ने कुछ पाया ही नहीं था सिवाय प्रोफेसर के प्यार के। वो बस अपनी पूरी जिंदगी प्रोफेसर के इंतजार में ही गुजारना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसकी फैमिली हाचिको के साथ दूसरे शहर रहने के लिए चले गए, लेकिन हाचिको का मन वहाँ भी नहीं लगने वाला था। उसके मन और दिलो दिमाग में बस प्रोफेसर की ही यादें घूम रही थी। वो उसी पुराने घर में रहना चाहता था जहाँ रोज की तरह जब दरवाजा खुले तो प्रोफेसर का चेहरा दिखाई दे। इसीलिए एक दिन मौका पाकर हाचिको उस नए घर से भाग खड़ा हुआ। हाचिको सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागा, लेकिन ये रेलवे स्टेशन वो स्टेशन नहीं था जहाँ वो अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। पर उसे ये जरूर पता था कि इन्हीं पटरियों से होते हुए उसके मालिक का ट्रेन आया करता था। फिर क्या था, वो पटरियों के ऊपर दौड़ता रहा और बस दौड़ता ही रहा। जब कभी भी ट्रेन आती तो वो ट्रेन को पहचानने की कोशिश करता। कई दिनों तक आसपास के हर एक रेलवे स्टेशन का चक्कर लगाते फाइनली उसे वो ट्रेन दिख गया जिससे प्रोफेसर आया और जाया करते थे। हाचिको उसी ट्रेन के पीछे भागने लगा। भागते भागते वो उसी पुराने स्टेशन पर पहुंच गया जहां वो प्रोफेसर का इंतजार किया करता था। कई दिनों के बाद हाचिको उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर लौट आया था। जब आसपास के लोगों ने हाचिको को देखा तो सभी लोग हैरान हो गए। अब हाचिको फिर से रोज की तरह स्टेशन के गेट के सामने बैठकर अपने मालिक का इंतजार करने लगा। चाहे गर्मी हो या बरसात, वो अपने मालिक के इंतजार में बस उसी जगह बैठा रहता, मानो वही स्टेशन अब हाचिको का घर बन चुका था। हाचिको गेट पर आने वाले सभी लोगों के चेहरे को देखता, लेकिन वो जिस चेहरे को देखना चाहता था उसे कहां पता था कि अब वो उस चेहरे को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। दिन महीने साल बीतने के साथ साथ अब हाचिको भी बूढ़ा होने चला था, पर अब भी हाचिको उसी जगह पर प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। प्रोफेसर के मौत के 9 साल बाद उसकी पत्नी अपने पुराने शहर, अपना पुराना घर वापस आ रही थी, प्रोफेसर की यादें ताजा करने और उसके कब्र में फूल चढ़ाने के लिए। कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद जब वो वापस रेलवे स्टेशन पहुंची, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता ठीक उसी जगह पर बैठा था जहां पर हाचिको बैठकर प्रोफेसर का इंतजार किया करता था। जब वो सामने जाकर देखने लगी तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि हाचिको ही था जो प्रोफेसर के मौत के 9 सालों बाद भी उसी रेलवे स्टेशन पर उसी जगह पर बैठे इंतजार कर रहा था। लेकिन हाचिको अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। प्रोफेसर की पत्नी ने कोशिश किया कि हाचिको को अपने साथ ले जाए, पर हाचिको इसके लिए तैयार नहीं था। 9 साल पहले जब हाचिको अचानक से गुम हो गया था तब उसे नहीं पता था कि वो दौड़ते दौड़ते उसी स्टेशन पर जा पहुंचा जहां पर रोज वो अपने मालिक का इंतजार किया करता था। इस घटना को याद करते करते प्रोफेसर की वाइफ ने भी सोचा
कि यही रेलवे स्टेशन अब हाचिको का घर है, इसे किसी की भी जरूरत नहीं सिवाय प्रोफेसर के इंतजार का। फिर एक रात हाचिको उसी जगह पर बैठे बैठे सो गया। शायद उस रात उसके सपने में प्रोफेसर आया था। शायद हाचिको भी प्रोफेसर के साथ उस सपनों के दुनिया में ही रहना चाहता था। वो सपनों की दुनिया जो असल तो नहीं थी, पर वो दुनिया हाचिको को बहुत सुकून दे रही थी। मानो 9 सालों के बाद वो अपने मालिक को देख रहा हो, उसके साथ खेल रहा हो। वो शायद नहीं चाहता था कि उसकी आंखें दोबारा से उसी रेलवे स्टेशन पर खुले जहाँ बस इंतजार हो और कुछ भी नहीं। 8 मार्च 1935 जब हाचिको ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, हाचिको को प्रोफेसर के कब्र के बगल में ही दफनाया गया। हाचिको के याद में जापान में बहुत सारे स्टेचू भी बनाया गया। ये स्टेचू एक निशानी है, एक अटूट रिश्ते की, एक लगाव की, एक इंतजार की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।